हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। जैसा कि आपको पता है, बजट 2019 आज 5 जुलाई 2019 को पेश होने वाला है संसद में। तो सातवें वेतन आयोग के तहत सभी कर्मचारियों को मिलने जा रहे हैं बड़े तोहफे। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर रेड बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आपको लेके चलते हैं उस न्यूज़ पर। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की और इन खबरों की अगर रिपोर्ट्स माने तो सरकार ये न्यूज़ दे सकती है, सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत किसी तरह की खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद बनाई जा रही है कि मूल न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। नरेंद्र मोदी सरकारी अपने दूसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट आज पेश करेंगे। बजट 2019 से सरकारी कर्मचारियों को भी बेहद उम्मीदें हैं। दरअसल वित्त मंत्री के रूप में कारोबार संभालने के बाद निर्मला सीतारमण ने पे पैनल के बारे में जानकारी ली थी। इस मुद्दे पर उनके और अधिकारियों के बीच चर्चा भी हुई। इसी के बाद संभावना बढ़ गई कि जल्द कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई कि केंद्रीय बजट 2019 में सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों द्वारा मूल वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर लंबे समय से 26,000 रुपये करने की मांग की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इस मांग सही और सरकारी उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार के इस मांग पर विचार करने के विभिन्न कारण हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों को खुश रखेगा, जिसका अर्थ है कि वे बेहतर काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि यदि मूल न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाती है तो वह एक खर्च बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप पैसा बाजार में आएगा। इससे अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जो फिलहाल संघर्ष कर रही है। इसके अलावा RBI द्वारा हाल में ही 6.25 आधार अंकों की रेपो रेट में कटौती के निर्णय को भी 6 जून को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह निर्णय मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद लिया गया है। सूत्र ने कहा है कि निश्चित रूप से कुछ अच्छी खबरें होंगी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद है कि यह वास्तव में हो सकता है। स्रोत में कुछ वृद्धि होगी और इसकी पुष्टि की जाएगी। सातवें वेतन आयोग ने 8,000 रुपये की वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी। सभी सरकारी कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में 3.68 तक की बढ़ोतरी के साथ 18,000 रुपये की मूल न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। तो जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं।